एक खिलाड़ी के रूप में मैं चाहूंगा कि हर भारतीय स्वस्थ और चुस्त रहे। तंबाकू स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को नुकसान पहुंचाता है। सभी तंबाकू पदार्थ खतरनाक और घातक है। अगर आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो तंबाकू से दूर रहें। मैं रहता हूं, आपको भी रहना चाहिए। आइए तंबाकू के सामने दीवार बनकर खड़े हों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नन के ऊपर, जो एक 2018 में रिलीज अमेरिकी गॉथिक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है, जो कोरिन हार्डी द्वारा निर्देश की गई है और गैरी डॉबरमैन द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे, और ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो फ्री में, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कहानी के एंड में। तो बिना देरी किए आप वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक जरूर देखें। तो फिल्म के शुरुआती में दिखाया जाता है 1952 का दृश्य, जो रोमानिया में सेंट कार्था के मठ में रहने वाले दो ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया है, जब उनमें से एक ने एक प्राचीन ईसाई अवशेष को प्राप्त करने के लिए सुरंग में प्रवेश किया। जीवित नन सिस्टर विक्टोरिया नन के रूप में प्रकट होने के वाले एक राक्षस हमलावर से बचकर भागती है और खुद को फांसी पर लटका लेती है। उसके शरीर की खोज फ्रांसिस नामक एक ग्रामीण ने की, जो ननों तक आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन को घटना का पता चलता है और फादर बर्ग को रोम बुलाया जाता है, जहां वे स्थिति की जांच करते हैं और उन्हें नौसिखिए नन सिस्टर आइरीन के साथ रोमानिया की यात्रा करने के लिए कहते हैं। जब सिस्टर आइरीन एक स्कूल में बच्चों को धर्म और विज्ञान के बीच संबंध सिखा रही हैं, तो उसकी माँ सुपीरियर उसे रोकती है और उसे सूचित करती है कि बर्क रोमानिया की अपनी यात्रा पर आइरीन के साथ जाने का अनुरोध करने के लिए आया है। यह जोड़ी रोमानिया की यात्रा करती है और फ्रेंच से मिलती है, जो उन्हें मठ तक ले जाता है। वे विक्टोरिया के शव की खोज करते हैं और उसकी लाश से एक चाबी ले लेते हैं। अंदर उसका सामना मठाधीश से होता है, जो उन्हें सूचित करते हैं कि नन रात के दौरान मौन की अवधि का पालन करती हैं, और यदि वे कल लौटना चाहती हैं तो उन्हें सॉलगन कॉन्वेंट में आवास प्रदान करती है। जब फ्रांसिस गांव लौटता है तो उस पर एक अदृश्य राक्षस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। बर्क ने आइरीन को बताया कि उसने अतीत में जिस लड़के डैनियल को भूत प्रेत से भगाया था, वह अनुष्ठान के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था और बर्क ने लड़के की मौत का बोझ उठाया है। आइरीन ने खुलासा किया कि एक लड़की के रूप में उसे सपने आते थे और उनमें से प्रत्येक का अंत मैरी रासा बताती है के साथ होता था, जिससे चर्च को उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उस रात बर्क को आइरीन द्वारा बचा लिया गया, राक्षसी समूह द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया था। अगले दिन आइरीन और बर्क मठ में लौटते हैं, लेकिन केवल आइरीन ही प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह मठ बंद है। वह कुछ अन्य ननों से मिलती है और जानती है कि वे संस्था को दूर रखने के लिए लगातार प्रार्थना करती हैं। शिफ्टों में बदलाव कर रही हैं। सिस्टर ओना ने खुलासा किया कि मठ का निर्माण अंधेरे युग में एक महल के रूप में किया गया था, जिसका उपयोग सेंट कार्टा के ड्यूक द्वारा किया जाता था, जो जादू टोने से ग्रस्त एक शक्तिशाली अभिजात था। ड्यूक ने प्रलय में एक दरार के माध्यम से राक्षस को बुलाया, लेकिन ईसाई शूरवीरों ने उसे मार डाला, जिन्होंने दरार को ईसा मसीह के रक्त से भर दी, एक शीशी से सील कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दरार को फिर से खोल दिया और यह दरार सक्रिय हो गया। बर्क राक्षस की पहचान वलक के रूप में करता है और उसे पता चलता है कि एब्स पहले ही मर चुका है। फ्रांसिस आइरीन और बर्क की मदद करने के लिए वापस मठ की ओर आ जाता है
आयरिन पर वलक द्वारा हमला किया जाता है और वह दानों से बचने के लिए ननों के साथ हताश प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब समूह फिर से एकजुट हुआ तो आयरिन को पता चला कि जिन ननों को उसने देखा था और जिनसे बात की थी उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि सिस्टर विक्टोरिया एबे में आखिरी नन थी और उसने वलक को अपने पास रखने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। शरीर और बुराई को उजागर करना यह सिद्धांत देते हुए वलक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे अवशेष में मौजूद ईसा मसीह के खून से दरार को सील कर दें। तीनों विक्टोरिया के पास मौजूद चाबी वाली सीसी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आयरिन बर्ग को सूचित करती है कि भगवान ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया है और बर्ग उसे एक घोषित नन के दर्जे तक बढ़ाने के लिए कहता है जो वह एबी के चैपल में करते हैं। तीनों द्वारा सुरंग का दरवाजा खोलने के बाद आयरिन को एक पेंटाग्राम में फुसलाया जाता है और वलक उसे कब्जे में ले लेती है। फ्रांसिस ने राक्षस को बाहर निकलते हुए ईसा मसीह का कुछ खून अपने चेहरे पर लगाया। डेनियल के भूत द्वारा बर्ग को घायल कर दिया जाता है क्योंकि वलक आयरिन को बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देती है। आयरिन ने दानों के चेहरे पर ईसा मसीह का खून निकाल दिया, दरार को सील कर दिया और उसे गायब कर दिया। फ्रांसिस द्वारा आयरिन को पुनः जीवित करने के बाद उसने बताया कि उसका नाम मॉरिस है। दूसरों को पता चलने पर मॉरिस पर वलक ने कब्जा कर लिया है, जैसे कि उसके गर्दन के पीछे एक उल्टा क्रॉस से पता चलता है। 20 साल बाद वेकफील्ड में एक विश्वविद्यालय सेमिनार में कैरोलिना पेरॉन, एड और लॉरेन वारेन को मॉरिस के भूत भगाने के अपने प्रयास के फुटेज पेश करते हुए दिखते हैं। फुटेज में मॉरिस लॉरेन को पकड़ लेती है और एड को मरते हुए देखती है, जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाने लगती है और खुद को 8 दिनों के लिए अपने शयन कक्ष में बंद कर लेती है, जिससे पेरॉन फार्म हाउस के भूतिया होने के वारेन की जांच शुरू हो जाती है। सो ये रही 2018 की रिलीज द नन फिल्म, जो काफी हॉरर और काफी ज्यादा मस्त मूवी है। आई वुड सजेस्ट आप सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे मैंने जो वादा किया था कि ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको ये फिल्म फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो बॉली फिलिक्स नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको फ्री मिल जाएगी। फिर फ्लिक्सॉइड नामक एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिए क्रोम से, उसमें भी आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। और टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी, वो भी मूवी फ्री में आपको देखने के लिए। तो बिना देरी के अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाके इन सब वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और आप मूवी देख के एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नन के ऊपर, जो एक 2018 में रिलीज अमेरिकी गॉथिक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है, जो कोरिन हार्डी द्वारा निर्देश की गई है और गैरी डॉबरमैन द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे और ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो फ्री में, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कहानी के एंड में। तो बिना देरी किए आप वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक जरूर देखें। तो फिल्म के शुरुआती में दिखाया जाता है 1952 का दृश्य, जो रोमानिया में सेंट कार्था के मठ में रहने वाले दो ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया है, जब उनमें से एक ने एक प्राचीन ईसाई अवशेष को प्राप्त करने के लिए सुरंग में प्रवेश किया। जीवित नन सिस्टर विक्टोरिया नन के रूप में प्रकट होने के वाले एक राक्षस हमलावर से बचकर भागती है और खुद को फांसी पर लटका लेती है। उसके शरीर की खोज फ्रांसिस नामक एक ग्रामीण ने की, जो ननों तक आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन को घटना का पता चलता है और फादर बर्ग को रोम बुलाया जाता है, जहां वे स्थिति की जांच करते हैं और उन्हें नौसिखिए नन सिस्टर आयरिन के साथ रोमानिया की यात्रा करने के लिए कहते हैं। जब सिस्टर आयरिन एक स्कूल में बच्चों को धर्म और विज्ञान के बीच संबंध सिखा रही हैं, तो उसकी माँ सुपीरियर उसे रोकती है और उसे सूचित करती है कि बर्क रोमानिया की अपनी यात्रा पर आयरिन के साथ जाने का अनुरोध करने के लिए आया है। यह जोड़ी रोमानिया की यात्रा करती है और फ्रेंच से मिलती है, जो उन्हें मठ तक ले जाता है। वे विक्टोरिया के शव की खोज करते हैं और
उसकी लाश से एक चाबी ले लेते हैं। अंदर उसका सामना मठाधीश से होता है, जो उन्हें सूचित करते हैं कि नन रात के दौरान मौन की अवधि का पालन करती हैं, और यदि वे कल लौटना चाहती हैं तो उन्हें सालगन कॉन्वेंट में आवास प्रदान करती है। जब फ्रांसिस गांव लौटता है तो उस पर एक अदृश्य राक्षस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। बर्क ने आयरिन को बताया कि उसने अतीत में जिस लड़के डैनियल को भूत प्रेत से भगाया था, वह अनुष्ठान के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था, और बर्क ने लड़के की मौत का बोझ उठाया है। आयरिन ने खुलासा किया कि एक लड़की के रूप में उसे सपने आते थे, और उनमें से प्रत्येक का अंत मैरी रासा बताती है के साथ होता था, जिससे चर्च को उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उस रात बर्क को आयरिन द्वारा बचा लिया गया, राक्षसी समूह द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया था। अगले दिन आयरिन और बर्क मठ में लौटते हैं, लेकिन केवल आयरिन ही प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह मठ बंद है। वह कुछ अन्य नन्नों से मिलती है और जानती है कि वे संस्था को दूर रखने के लिए लगातार प्रार्थना करती हैं। शिफ्टों में बदलाव कर रही हैं। सिस्टर ओना ने खुलासा किया कि मठ का निर्माण अंधेरे युग में एक महल के रूप में किया गया था, जिसका उपयोग सेंट कार्टा के ड्यूक द्वारा किया जाता था, जो जादू टोने से ग्रस्त एक शक्तिशाली अभिजात था। ड्यूक ने प्रलय में एक दरार के माध्यम से राक्षस को बुलाया, लेकिन ईसाई शूरवीरों ने उसे मार डाला, जिन्होंने दरार को ईसा मसीह के रक्त से भर दी, एक सीसी से सील कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दरार को फिर से खोल दिया और यह दरार सक्रिय हो गया। बर्क राक्षस की पहचान वलक के रूप में करता है, और उसे पता चलता है कि एब्स पहले ही मर चुका है। फ्रांसिस आयरिन और बर्क की मदद करने के लिए वापस मठ की ओर आ जाता है। आयरिन पर वलक द्वारा हमला किया जाता है, और वह दानों से बचने के लिए ननों के साथ हताश प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब समूह फिर से एकजुट हुआ तो आयरिन को पता चला कि जिन ननों को उसने देखा था और जिनसे बात की थी, उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है, और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि सिस्टर विक्टोरिया एबे में आखिरी नन थी, और उसने वलक को अपने पास रखने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। शरीर और बुराई को उजागर करना, यह सिद्धांत देते हुए वलक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे अवशेष में मौजूद ईसा मसीह के खून से दरार को सील कर दें। तीनों विक्टोरिया के पास मौजूद चाबी वाली सीसी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आयरिन बर्क को सूचित करती है कि भगवान ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया है, और बर्क उसे एक घोषित नन के दर्जे तक बढ़ाने के लिए कहता है, जो वह एबी के चैपल में करते हैं। तीनों द्वारा सुरंग का दरवाजा खोलने के बाद आयरिन को एक पेंटाग्राम में फुसलाया जाता है, और वलक उसे कब्जे में ले लेती है। फ्रांसिस ने राक्षस को बाहर निकलते हुए ईसा मसीह का कुछ खून अपने चेहरे पर लगाया। डैनियल के भूत द्वारा बर्क को घायल कर दिया जाता है, क्योंकि वलक आयरिन को बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देती है। आयरिन ने दानों के चेहरे पर ईसा मसीह का खून निकाल दिया, दरार को सील कर दिया और उसे गायब कर दिया। फ्रांसिस द्वारा आयरिन को पुनः जीवित करने के बाद उसने बताया कि उसका नाम मॉरिस है। दूसरों को पता चलने पर मॉरिस पर वलक ने कब्जा कर लिया है, जैसे कि उसके गर्दन के पीछे एक उल्टा क्रॉस से पता चलता है। 20 साल बाद वेकफील्ड में एक विश्वविद्यालय सेमिनार में कैरोलिना पेरॉन, एड और लॉरेन वारेन को मॉरिस के भूत भगाने के अपने प्रयास के फुटेज पेश करते हुए दिखते हैं। फुटेज में मॉरिस लॉरेन को पकड़ लेती है और एड को मरते हुए देखती है, जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाने लगती है और खुद को 8 दिनों के लिए अपने शयन कक्ष में बंद कर लेती है, जिससे पेरॉन फार्म हाउस के भूतिया होने के वारेन की जाँच शुरू हो जाती है। सो ये रही 2018 की रिलीज द नन फिल्म, जो काफी हॉरर और काफी ज्यादा मस्त मूवी है। आई वुड सजेस्ट आप सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे मैंने जो वादा किया था कि ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको ये फिल्म फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो बॉली फिलिक्स नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको फ्री मिल जाएगी। फिर फिलिक्सॉइड नामक एक ऐप है, जो आप डाउनलोड कर लीजिए क्रोम से, उसमें भी आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। और टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी, वो भी मूवी फ्री में आपको देखने के लिए। तो बिना देरी के अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाके इन सब वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं, और आप मूवी देख के एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नन के ऊपर, जो एक 2018 में रिलीज अमेरिकी गॉथिक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है, जो कोरिन हार्डी द्वारा निर्देश की गई है और गैरी डॉबरमैन द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे, और ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो फ्री में, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कहानी के एंड में। तो बिना देरी किए आप वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक जरूर देखें। तो फिल्म के शुरुआती में दिखाया जाता है 1952 का दृश्य, जो रोमानिया में सेंट कार्थक के मठ में रहने वाले दो ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया है, जब उनमें से एक ने एक प्राचीन ईसाई अवशेष को प्राप्त करने के लिए सुरंग में प्रवेश किया। जीवित नन सिस्टर विक्टोरिया नन के रूप में प्रकट होने के वाले एक राक्षस हमलावर से बचकर भागती है और खुद को फांसी पर लटका लेती है। उसके शरीर की खोज फ्रांसिस नामक एक ग्रामीण ने की, जो ननों तक आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन को घटना का पता चलता है और फादर बर्ग को रोम बुलाया जाता है, जहां वे स्थिति की जांच करते हैं और उन्हें नौसिखिए नन सिस्टर आइरीन के साथ रोमानिया की यात्रा करने के लिए कहते हैं। जब सिस्टर आइरीन एक स्कूल में बच्चों को धर्म और विज्ञान के बीच संबंध सिखा रही हैं, तो उसकी माँ सुपीरियर उसे रोकती है और उसे सूचित करती है कि बर्क रोमानिया की अपनी यात्रा पर आइरीन के साथ जाने का अनुरोध करने के लिए आया है। यह जोड़ी रोमानिया की यात्रा करती है और फ्रेंच से मिलती है, जो उन्हें मठ तक ले जाता है। वे विक्टोरिया के शव की खोज करते हैं और उसकी लाश से एक चाबी ले लेते हैं। अंदर उसका सामना मठाधीश से होता है, जो उन्हें सूचित करते हैं कि नन रात के दौरान मौन की अवधि का पालन करती हैं, और यदि वे कल लौटना चाहती हैं तो उन्हें सालगन कॉन्वेंट में आवास प्रदान करती है। जब फ्रांसिस गांव लौटता है तो उस पर एक अदृश्य राक्षस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। बर्क ने आइरीन को बताया कि उसने अतीत में जिस लड़के डैनियल को भूत प्रेत से भगाया था, वह अनुष्ठान के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था और बर्क ने लड़के की मौत का बोझ उठाया है। आइरीन ने खुलासा किया कि एक लड़की के रूप में उसे सपने आते थे और उनमें से प्रत्येक का अंत मैरी रासा बताती है के साथ होता था, जिससे चर्च को उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उस रात बर्क को आइरीन द्वारा बचा लिया गया, राक्षसी समूह द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया था। अगले दिन आइरीन और बर्क मठ में लौटते हैं, लेकिन केवल आइरीन ही प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह मठ बंद है। वह कुछ अन्य ननों से मिलती है और जानती है कि वे संस्था को दूर रखने के लिए लगातार प्रार्थना करती हैं। शिफ्टों में बदलाव कर रही हैं। सिस्टर ओना ने खुलासा किया कि मठ का निर्माण अंधेरे युग में एक महल के रूप में किया गया था, जिसका उपयोग सेंट कार्टा के ड्यूक द्वारा किया जाता था, जो जादू टोने से ग्रस्त एक शक्तिशाली अभिजात था। ड्यूक ने प्रलय में एक दरार के माध्यम से राक्षस को बुलाया, लेकिन ईसाई शूरवीरों ने उसे मार डाला, जिन्होंने दरार को ईसा मसीह के रक्त से भर दी, एक शीशी से सील कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दरार को फिर से खोल दिया और यह दरार सक्रिय हो गया। बर्क राक्षस की पहचान वलक के रूप में करता है और उसे पता चलता है कि एब्स पहले ही मर चुका है। फ्रांसिस आइरीन और बर्क की मदद करने के लिए वापस मठ की ओर आ जाता है। आइरीन पर वलक द्वारा हमला किया जाता है और वह दानों से बचने के लिए ननों के साथ हताश प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब समूह फिर से एकजुट हुआ तो आइरीन को पता चला कि जिन ननों को उसने देखा था और जिनसे बात की थी, उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि सिस्टर विक्टोरिया एबे में आखिरी नन थी और उसने वलक को अपने पास रखने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। शरीर और बुराई को उजागर करना, यह सिद्धांत देते हुए वलक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे अवशेष में मौजूद ईसा मसीह के खून से दरार को सील कर दें। तीनों विक्टोरिया के पास मौजूद चाबी वाली सीसी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आइरीन बर्ग को सूचित करती है कि भगवान ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया है और बर्ग उसे एक घोषित नन के दर्जे तक बढ़ाने के लिए कहता है, जो वह एबी के
चैपल में करते हैं। तीनों द्वारा सुरंग का दरवाजा खोलने के बाद आइरीन को एक पेंटाग्राम में फुसलाया जाता है और वलक उसे कब्जे में ले लेती है। फ्रांसिस ने राक्षस को बाहर निकलते हुए ईसा मसीह का कुछ खून अपने चेहरे पर लगाया। डेनियल के भूत द्वारा बर्क को घायल कर दिया जाता है क्योंकि वलक आइरीन को बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देती है। आइरीन ने दानों के चेहरे पर ईसा मसीह का खून निकाल दिया, दरार को सील कर दिया और उसे गायब कर दिया। फ्रांसिस द्वारा आइरीन को पुनः जीवित करने के बाद उसने बताया कि उसका नाम मॉरिस है। दूसरों को पता चलने पर मॉरिस पर वलक ने कब्जा कर लिया है, जैसे कि उसके गर्दन के पीछे एक उल्टा क्रॉस से पता चलता है। 20 साल बाद वेकफील्ड में एक विश्वविद्यालय सेमिनार में कैरोलिना पेरॉन, एड और लॉरेन वारेन को मॉरिस के भूत भगाने के अपने प्रयास के फुटेज पेश करते हुए दिखते हैं। फुटेज में मॉरिस लॉरेन को पकड़ लेती है और एड को मरते हुए देखती है, जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाने लगती है और खुद को 8 दिनों के लिए अपने शयन कक्ष में बंद कर लेती है, जिससे पेरॉन फार्म हाउस के भूतिया होने के वारेन की जाँच शुरू हो जाती है। सो ये रही 2018 की रिलीज द नन फिल्म, जो काफी हॉरर और काफी ज्यादा मस्त मूवी है। आई वुड सजेस्ट आप सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे मैंने जो वादा किया था कि ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको ये फिल्म फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो बॉली फिलिक्स नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको फ्री मिल जाएगी। फिर फ्लिक्सॉइड नामक एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिए क्रोम से, उसमें भी आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। और टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी, वो भी मूवी फ्री में आपको देखने के लिए। तो बिना देरी के अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाके इन सब वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और आप मूवी देख के एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नन के ऊपर, जो एक 2018 में रिलीज अमेरिकी गॉथिक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जो कोरिन हार्डी द्वारा निर्देश की गई है और गैरी डॉबरमैन द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे और ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो फ्री में, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कहानी के एंड में। तो बिना देरी किए आप वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक जरूर देखें। तो फिल्म के शुरुआती में दिखाया जाता है 1952 का दृश्य, जो रोमानिया में सेंट कार्ता के मठ में रहने वाले दो ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया है, जब उनमें से एक ने एक प्राचीन ईसाई अवशेष को प्राप्त करने के लिए सुरंग में प्रवेश किया। जीवित नन सिस्टर विक्टोरिया नन के रूप में प्रकट होने के वाले एक राक्षस हमलावर से बचकर भागती है और खुद को फांसी पर लटका लेती है। उसके शरीर की खोज फ्रांसिस नामक एक ग्रामीण ने की, जो ननों तक आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन को घटना का पता चलता है और फादर बर्क को रोम बुलाया जाता है, जहां वे स्थिति की जांच करते हैं और उन्हें नौसिखिए नन सिस्टर आइरीन के साथ रोमानिया की यात्रा करने के लिए कहते हैं। जब सिस्टर आइरीन एक स्कूल में बच्चों को धर्म और विज्ञान के बीच संबंध सिखा रही हैं, तो उसकी माँ सुपीरियर उसे रोकती है और उसे सूचित करती है कि बर्क रोमानिया की अपनी यात्रा पर आइरीन के साथ जाने का अनुरोध करने के लिए आया है। यह जोड़ी रोमानिया की यात्रा करती है और फ्रेंच से मिलती है, जो उन्हें मठ तक ले जाता है। वे विक्टोरिया के शव की खोज करते हैं और उसकी लाश से एक चाबी ले लेते हैं। अंदर उसका सामना मठाधीश से होता है, जो उन्हें सूचित करते हैं कि नन रात के दौरान मौन की अवधि का पालन करती हैं और यदि वे कल लौटना चाहती हैं तो उन्हें सालगन कॉन्वेंट में आवास प्रदान करती है। जब फ्रांसिस गांव लौटता है तो उस पर एक अदृश्य राक्षस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। बर्क ने आइरीन को बताया कि उसने अतीत में जिस लड़के डैनियल को भूत प्रेत से भगाया था, वह अनुष्ठान के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था और बर्क ने लड़के की मौत का बोझ उठाया है। आइरीन ने खुलासा किया कि एक लड़की के रूप में उसे सपने आते थे और उनमें से प्रत्येक का अंत मैरी रासा बताती है के साथ होता था, जिससे चर्च को उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उस रात बर्क को आइरीन द्वारा बचा लिया गया, राक्षसी समूह द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया था। अगले दिन आइरीन और बर्क मठ में लौटते हैं, लेकिन केवल आइरीन ही प्रवेश कर सकती है।
क्योंकि यह मठ बंद है। वह कुछ अन्य नन्नों से मिलती है और जानती है कि वे संस्था को दूर रखने के लिए लगातार प्रार्थना करती हैं। शिफ्टों में बदलाव कर रही हैं। सिस्टर ओना ने खुलासा किया कि मठ का निर्माण अंधेरे युग में एक महल के रूप में किया गया था, जिसका उपयोग सेंट कार्टा के ड्यूक द्वारा किया जाता था, जो जादू टोने से ग्रस्त एक शक्तिशाली अभिजात था। ड्यूक ने प्रलय में एक दरार के माध्यम से राक्षस को बुलाया, लेकिन ईसाई शूरवीरों ने उसे मार डाला, जिन्होंने दरार को ईसा मसीह के रक्त से भर दी, एक शीशी से सील कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दरार को फिर से खोल दिया और यह दरार सक्रिय हो गया। बर्क राक्षस की पहचान वलक के रूप में करता है और उसे पता चलता है कि एब्स पहले ही मर चुका है। फ्रांसिस आयरिन और बर्क की मदद करने के लिए वापस मठ की ओर आ जाता है। आयरिन पर वलक द्वारा हमला किया जाता है और वह दानों से बचने के लिए ननों के साथ हताश प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब समूह फिर से एकजुट हुआ तो आयरिन को पता चला कि जिन ननों को उसने देखा था और जिनसे बात की थी उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि सिस्टर विक्टोरिया एबे में आखिरी नन थी और उसने वलक को अपने पास रखने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। शरीर और बुराई को उजागर करना, यह सिद्धांत देते हुए वलक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे अवशेष में मौजूद ईसा मसीह के खून से दरार को सील कर दें। तीनों विक्टोरिया के पास मौजूद चाबी वाली सीसी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आयरिन बर्ग को सूचित करती है कि भगवान ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया है और बर्ग उसे एक घोषित नन के दर्जे तक बढ़ाने के लिए कहता है, जो वह एबी के चैपल में करते हैं। तीनों द्वारा सुरंग का दरवाजा खोलने के बाद आयरिन को एक पेंटाग्राम में फुसलाया जाता है और वलक उसे कब्जे में ले लेती है। फ्रांसिस ने राक्षस को बाहर निकलते हुए ईसा मसीह का कुछ खून अपने चेहरे पर लगाया। डेनियल के भूत द्वारा बर्क को घायल कर दिया जाता है क्योंकि वलक आयरिन को बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देती है। आयरिन ने दानों के चेहरे पर ईसा मसीह का खून निकाल दिया, दरार को सील कर दिया और उसे गायब कर दिया। फ्रांसिस द्वारा आयरिन को पुनः जीवित करने के बाद उसने बताया कि उसका नाम मॉरिस है। दूसरों को पता चलने पर मॉरिस पर वलक ने कब्जा कर लिया है, जैसे कि उसके गर्दन के पीछे एक उल्टा क्रॉस से पता चलता है। 20 साल बाद वेकफील्ड में एक विश्वविद्यालय सेमिनार में कैरोलिना पेरॉन, एड और लॉरेन वारेन को मॉरिस के भूत भगाने के अपने प्रयास के फुटेज पेश करते हुए दिखते हैं। फुटेज में मॉरिस लॉरेन को पकड़ लेती है और एड को मरते हुए देखती है, जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाने लगती है और खुद को 8 दिनों के लिए अपने शयन कक्ष में बंद कर लेती है, जिससे पेरॉन फार्म हाउस के भूतिया होने के वारेन की जाँच शुरू हो जाती है। सो ये रही 2018 की रिलीज द नन फिल्म, जो काफी हॉरर और काफी ज्यादा मस्त मूवी है। आई वुड सजेस्ट आप सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे मैंने जो वादा किया था कि ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको ये फिल्म फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो बॉली फिलिक्स नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको फ्री मिल जाएगी। फिर फिलिक्सॉइड नामक एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिए क्रोम से, उसमें भी आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। और टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी, वो भी मूवी फ्री में आपको देखने के लिए। तो बिना देरी के अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाके इन सब वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और आप मूवी देख के एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नन के ऊपर, जो एक 2018 में रिलीज अमेरिकी गॉथिक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जो कोरिन हार्डी द्वारा निर्देश की गई है और गैरी डॉबरमैन द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे और ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो फ्री में, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कहानी के एंड में। तो बिना देरी किए आप वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक जरूर देखें। तो फिल्म के शुरुआती में दिखाया जाता है 1952 का दृश्य, जो रोमानिया में सेंट कार्था के मठ में रहने वाले दो ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया है, जब उनमें से एक ने एक प्राचीन ईसाई अवशेष को प्राप्त करने के लिए सुरंग में प्रवेश किया
जीवित नन सिस्टर विक्टोरिया नन के रूप में प्रकट होने के वाले एक राक्षस हमलावर से बचकर भागती है और खुद को फांसी पर लटका लेती है। उसके शरीर की खोज फ्रांसिस नामक एक ग्रामीण ने की जो ननों तक आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन को घटना का पता चलता है और फादर बर्ग को रोम बुलाया जाता है जहां वे स्थिति की जांच करते हैं और उन्हें नौसिखिए नन सिस्टर आइरीन के साथ रोमानिया की यात्रा करने के लिए कहते हैं। जब सिस्टर आइरीन एक स्कूल में बच्चों को धर्म और विज्ञान के बीच संबंध सिखा रही हैं तो उसकी माँ सुपीरियर उसे रोकती है और उसे सूचित करती है कि बर्क रोमानिया की अपनी यात्रा पर आइरीन के साथ जाने का अनुरोध करने के लिए आया है। यह जोड़ी रोमानिया की यात्रा करती है और फ्रेंच से मिलती है जो उन्हें मठ तक ले जाता है। वे विक्टोरिया के शव की खोज करते हैं और उसकी लाश से एक चाबी ले लेते हैं। अंदर उसका सामना मठाधीश से होता है जो उन्हें सूचित करते हैं कि नन रात के दौरान मौन की अवधि का पालन करती हैं और यदि वे कल लौटना चाहती हैं तो उन्हें सालगन कॉन्वेंट में आवास प्रदान करती है। जब फ्रांसिस गांव लौटता है तो उस पर एक अदृश्य राक्षस द्वारा हमला किया जाता है लेकिन वो भाग जाता है। बर्क ने आइरीन को बताया कि उसने अतीत में जिस लड़के डैनियल को भूत प्रेत से भगाया था वह अनुष्ठान के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था और बर्क ने लड़के की मौत का बोझ उठाया है। आइरीन ने खुलासा किया कि एक लड़की के रूप में उसे सपने आते थे और उनमें से प्रत्येक का अंत मैरी रासा बताती है के साथ होता था जिससे चर्च को उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उस रात बर्क को आइरीन द्वारा बचा लिया गया राक्षसी समूह द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया था। अगले दिन आइरीन और बर्क मठ में लौटते हैं लेकिन केवल आइरीन ही प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह मठ बंद है। वह कुछ अन्य ननों से मिलती है और जानती है कि वे संस्था को दूर रखने के लिए लगातार प्रार्थना करती हैं। शिफ्टों में बदलाव कर रही हैं। सिस्टर ओना ने खुलासा किया कि मठ का निर्माण अंधेरे युग में एक महल के रूप में किया गया था जिसका उपयोग सेंट कार्टा के ड्यूक द्वारा किया जाता था जो जादू टोने से ग्रस्त एक शक्तिशाली अभिजात था। ड्यूक ने प्रलय में एक दरार के माध्यम से राक्षस को बुलाया लेकिन ईसाई शूरवीरों ने उसे मार डाला जिन्होंने दरार को ईसा मसीह के रक्त से भर दी, एक शीशी से सील कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दरार को फिर से खोल दिया और यह दरार सक्रिय हो गया। बर्क राक्षस की पहचान वलक के रूप में करता है और उसे पता चलता है कि एब्स पहले ही मर चुका है। फ्रांसिस आइरीन और बर्क की मदद करने के लिए वापस मठ की ओर आ जाता है। आइरीन पर वलक द्वारा हमला किया जाता है और वह दानों से बचने के लिए ननों के साथ हताश प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब समूह फिर से एकजुट हुआ तो आइरीन को पता चला कि जिन ननों को उसने देखा था और जिनसे बात की थी उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि सिस्टर विक्टोरिया एबे में आखिरी नन थी और उसने वलक को अपने पास रखने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। शरीर और बुराई को उजागर करना यह सिद्धांत देते हुए वलक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे अवशेष में मौजूद ईसा मसीह के खून से दरार को सील कर दें। तीनों विक्टोरिया के पास मौजूद चाबी वाली सीसी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आइरीन बर्ग को सूचित करती है कि भगवान ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया है और बर्ग उसे एक घोषित नन के दर्जे तक बढ़ाने के लिए कहता है जो वह एबी के चैपल में करते हैं। तीनों द्वारा सुरंग का दरवाजा खोलने के बाद आइरीन को एक पेंटाग्राम में फुसलाया जाता है और वलक उसे कब्जे में ले लेती है। फ्रांसिस ने राक्षस को बाहर निकलते हुए ईसा मसीह का कुछ खून अपने चेहरे पर लगाया। डैनियल के भूत द्वारा बर्क को घायल कर दिया जाता है क्योंकि वलक आइरीन को बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देती है। आइरीन ने दानों के चेहरे पर ईसा मसीह का खून निकाल दिया, दरार को सील कर दिया और उसे गायब कर दिया। फ्रांसिस द्वारा आइरीन को पुनः जीवित करने के बाद उसने बताया कि उसका नाम मॉरिस है। दूसरों को पता चलने पर मॉरिस पर वलक ने कब्जा कर लिया है जैसे कि उसके गर्दन के पीछे एक उल्टा क्रॉस से पता चलता है। 20 साल बाद वेकफील्ड में एक विश्वविद्यालय सेमिनार में कैरोलिना पेरॉन, एड और लॉरेन
वारेन को मॉरिस के भूत भगाने के अपने प्रयास के फुटेज पेश करते हुए दिखते हैं। फुटेज में मॉरिस लॉरेन को पकड़ लेती है और ऑरेट को मरते हुए देखती है, जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाने लगती है और खुद को 8 दिनों के लिए अपने शयन कक्ष में बंद कर लेती है, जिससे पेरोन फार्म हाउस के भूतिया होने के वारेन की जाँच शुरू हो जाती है। सो ये रही 2018 की रिलीज द नन फिल्म, जो काफी हॉरर और काफी ज्यादा मस्त मूवी है। आई वुड सजेस्ट आप सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे मैंने जो वादा किया था कि ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको ये फिल्म फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो बॉलीफ्लिक्स नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको फ्री मिल जाएगी। फिर फ्लिक्सॉइड नामक एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिए क्रोम से, उसमें भी आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। और टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी, वो भी मूवी फ्री में आपको देखने के लिए। तो बिना देरी के अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाके इन सब वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और आप मूवी देख के एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नन के ऊपर, जो एक 2018 में रिलीज अमेरिकी गॉथिक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जो कोरिन हार्डी द्वारा निर्देश की गई है और गैरी डॉबरमैन द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे और ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो फ्री में, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कहानी के एंड में। तो बिना देरी किए आप वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक जरूर देखें। तो फिल्म के शुरुआती में दिखाया जाता है 1952 का दृश्य, जो रोमानिया में सेंट कार्था के मठ में रहने वाले दो ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया है, जब उनमें से एक ने एक प्राचीन ईसाई अवशेष को प्राप्त करने के लिए सुरंग में प्रवेश किया। जीवित नन सिस्टर विक्टोरिया नन के रूप में प्रकट होने के वाले एक राक्षस हमलावर से बचकर भागती है और खुद को फांसी पर लटका लेती है। उसके शरीर की खोज फ्रांसिस नामक एक ग्रामीण ने की, जो ननों तक आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन को घटना का पता चलता है और फादर बर्ग को रोम बुलाया जाता है, जहां वे स्थिति की जांच करते हैं और उन्हें नौसिखिए नन सिस्टर आइरीन के साथ रोमानिया की यात्रा करने के लिए कहते हैं। जब सिस्टर आइरीन एक स्कूल में बच्चों को धर्म और विज्ञान के बीच संबंध सिखा रही हैं, तो उसकी माँ सुपीरियर उसे रोकती है और उसे सूचित करती है कि बर्क रोमानिया की अपनी यात्रा पर आइरीन के साथ जाने का अनुरोध करने के लिए आया है। यह जोड़ी रोमानिया की यात्रा करती है और फ्रेंच से मिलती है, जो उन्हें मठ तक ले जाता है। वे विक्टोरिया के शव की खोज करते हैं और उसकी लाश से एक चाबी ले लेते हैं। अंदर उसका सामना मठाधीश से होता है, जो उन्हें सूचित करते हैं कि नन रात के दौरान मौन की अवधि का पालन करती हैं और यदि वे कल लौटना चाहती हैं तो उन्हें सालगन कॉन्वेंट में आवास प्रदान करती है। जब फ्रांसिस गांव लौटता है तो उस पर एक अदृश्य राक्षस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। बर्क ने आइरीन को बताया कि उसने अतीत में जिस लड़के डैनियल को भूत प्रेत से भगाया था, वह अनुष्ठान के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था और बर्क ने लड़के की मौत का बोझ उठाया है। आइरीन ने खुलासा किया कि एक लड़की के रूप में उसे सपने आते थे और उनमें से प्रत्येक का अंत मैरी रासा बताती है के साथ होता था, जिससे चर्च को उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उस रात बर्क को आइरीन द्वारा बचा लिया गया, राक्षसी समूह द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया था। अगले दिन आइरीन और बर्क मठ में लौटते हैं, लेकिन केवल आइरीन ही प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह मठ बंद है। वह कुछ अन्य ननों से मिलती है और जानती है कि वे संस्था को दूर रखने के लिए लगातार प्रार्थना करती हैं। शिफ्टों में बदलाव कर रही हैं। सिस्टर ओना ने खुलासा किया कि मठ का निर्माण अंधेरे युग में एक महल के रूप में किया गया था, जिसका उपयोग सेंट कार्टा के ड्यूक द्वारा किया जाता था, जो जादू टोने से ग्रस्त एक शक्तिशाली अभिजात था। ड्यूक ने प्रलय में एक दरार के माध्यम से राक्षस को बुलाया, लेकिन ईसाई शूरवीरों ने उसे मार डाला, जिन्होंने दरार को ईसा मसीह के रक्त से भर दी, एक सीसी से सील कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दरार को फिर से खोल दिया और यह दरार सक्रिय हो गया। बर्क राक्षस की पहचान वलक के रूप में करता है और उसे पता चलता है कि एब्स पहले ही मर चुका है।
फ्रांसिस आयरिन और बर्ग की मदद करने के लिए वापस मठ की ओर आ जाता है। आयरिन पर वलक द्वारा हमला किया जाता है और वह दानों से बचने के लिए ननों के साथ हताश प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब समूह फिर से एकजुट हुआ तो आयरिन को पता चला कि जिन ननों को उसने देखा था और जिनसे बात की थी उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि सिस्टर विक्टोरिया एबे में आखिरी नन थी और उसने वलक को अपने पास रखने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। शरीर और बुराई को उजागर करना, यह सिद्धांत देते हुए वलक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे अवशेष में मौजूद ईसा मसीह के खून से दरार को सील कर दें। तीनों विक्टोरिया के पास मौजूद चाबी वाली सीसी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आयरिन बर्ग को सूचित करती है कि भगवान ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया है और बर्ग उसे एक घोषित नन के दर्जे तक बढ़ाने के लिए कहता है, जो वह एबी के चैपल में करते हैं। तीनों द्वारा सुरंग का दरवाजा खोलने के बाद आयरिन को एक पेंटाग्राम में फुसलाया जाता है और वलक उसे कब्जे में ले लेती है। फ्रांसिस ने राक्षस को बाहर निकलते हुए ईसा मसीह का कुछ खून अपने चेहरे पर लगाया। डेनियल के भूत द्वारा बर्ग को घायल कर दिया जाता है क्योंकि वलक आयरिन को बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देती है। आयरिन ने दानों के चेहरे पर ईसा मसीह का खून निकाल दिया, दरार को सील कर दिया और उसे गायब कर दिया। फ्रांसिस द्वारा आयरिन को पुनः जीवित करने के बाद उसने बताया कि उसका नाम मॉरिस है। दूसरों को पता चलने पर मॉरिस पर वलक ने कब्जा कर लिया है, जैसे कि उसके गर्दन के पीछे एक उल्टा क्रॉस से पता चलता है। 20 साल बाद वेकफील्ड में एक विश्वविद्यालय सेमिनार में कैरोलिना पेरॉन, एड और लॉरेन वारेन को मॉरिस के भूत भगाने के अपने प्रयास के फुटेज पेश करते हुए दिखते हैं। फुटेज में मॉरिस लॉरेन को पकड़ लेती है और एड को मरते हुए देखती है, जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाने लगती है और खुद को 8 दिनों के लिए अपने शयन कक्ष में बंद कर लेती है, जिससे पेरॉन फार्म हाउस के भूतिया होने के वारेन की जाँच शुरू हो जाती है। सो ये रही 2018 की रिलीज द नन फिल्म, जो काफी हॉरर और काफी ज्यादा मस्त मूवी है। आई वुड सजेस्ट आप सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे मैंने जो वादा किया था कि ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको ये फिल्म फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो बॉली फिलिक्स नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको फ्री मिल जाएगी। फिर फिलिक्सॉइड नामक एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिए क्रोम से, उसमें भी आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। और टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी, वो भी मूवी फ्री में आपको देखने के लिए। तो बिना देरी के अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाके इन सब वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और आप मूवी देख के एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले द नन के ऊपर, जो एक 2018 में रिलीज अमेरिकी गॉथिक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जो कोरिन हार्डी द्वारा निर्देश की गई है और गैरी डॉबरमैन द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे और ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो फ्री में, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कहानी के एंड में। तो बिना देरी किए आप वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक जरूर देखें। तो फिल्म के शुरुआती में दिखाया जाता है 1952 का दृश्य, जो रोमानिया में सेंट कार्था के मठ में रहने वाले दो ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया है, जब उनमें से एक ने एक प्राचीन ईसाई अवशेष को प्राप्त करने के लिए सुरंग में प्रवेश किया। जीवित नन सिस्टर विक्टोरिया नन के रूप में प्रकट होने के वाले एक राक्षस हमलावर से बचकर भागती है और खुद को फांसी पर लटका लेती है। उसके शरीर की खोज फ्रांसिस नामक एक ग्रामीण ने की, जो ननों तक आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन को घटना का पता चलता है और फादर बर्ग को रोम बुलाया जाता है, जहां वे स्थिति की जांच करते हैं और उन्हें नौसिखिय नन सिस्टर आयरिन के साथ रोमानिया की यात्रा करने के लिए कहते हैं। जब सिस्टर आयरिन एक स्कूल में बच्चों को धर्म और विज्ञान के बीच संबंध सिखा रही हैं, तो उसकी माँ सुपीरियर उसे रोकती है और उसे सूचित करती है कि बर्क रोमानिया की अपनी यात्रा पर आयरिन के साथ जाने का अनुरोध करने के लिए आया है। यह जोड़ी रोमानिया की यात्रा करती है और फ्रेंच से मिलती है,
जो उन्हें मठ तक ले जाता है। वे विक्टोरिया के शव की खोज करते हैं और उसकी लाश से एक चाबी ले लेते हैं। अंदर उसका सामना मठाधीश से होता है, जो उन्हें सूचित करते हैं कि नन रात के दौरान मौन की अवधि का पालन करती हैं और यदि वे कल लौटना चाहती हैं तो उन्हें सालगन कॉन्वेंट में आवास प्रदान करती है। जब फ्रांसिस गांव लौटता है तो उस पर एक अदृश्य राक्षस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। बर्क ने आयरिन को बताया कि उसने अतीत में जिस लड़के डैनियल को भूत प्रेत से भगाया था वह अनुष्ठान के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था और बर्क ने लड़के की मौत का बोझ उठाया है। आयरिन ने खुलासा किया कि एक लड़की के रूप में उसे सपने आते थे और उनमें से प्रत्येक का अंत मैरी रासा बताती है के साथ होता था, जिससे चर्च को उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उस रात बर्क को आयरिन द्वारा बचा लिया गया, राक्षसी समूह द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया था। अगले दिन आयरिन और बर्क मठ में लौटते हैं, लेकिन केवल आयरिन ही प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह मठ बंद है। वह कुछ अन्य नन्नों से मिलती है और जानती है कि वे संस्था को दूर रखने के लिए लगातार प्रार्थना करती हैं। शिफ्टों में बदलाव कर रही हैं। सिस्टर ओना ने खुलासा किया कि मठ का निर्माण अंधेरे युग में एक महल के रूप में किया गया था, जिसका उपयोग सेंट कार्टा के ड्यूक द्वारा किया जाता था, जो जादू टोने से ग्रस्त एक शक्तिशाली अभिजात था। ड्यूक ने प्रलय में एक दरार के माध्यम से राक्षस को बुलाया, लेकिन ईसाई शूरवीरों ने उसे मार डाला, जिन्होंने दरार को ईसा मसीह के रक्त से भर दी, एक सीसी से सील कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दरार को फिर से खोल दिया और यह दरार सक्रिय हो गया। बर्क राक्षस की पहचान वलक के रूप में करता है और उसे पता चलता है कि एब्स पहले ही मर चुका है। फ्रांसिस आयरिन और बर्क की मदद करने के लिए वापस मठ की ओर आ जाता है। आयरिन पर वलक द्वारा हमला किया जाता है और वह दानों से बचने के लिए ननों के साथ हताश प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब समूह फिर से एकजुट हुआ तो आयरिन को पता चला कि जिन ननों को उसने देखा था और जिनसे बात की थी उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि सिस्टर विक्टोरिया एबे में आखिरी नन थी और उसने वलक को अपने पास रखने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। शरीर और बुराई को उजागर करना यह सिद्धांत देते हुए वलक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे अवशेष में मौजूद ईसा मसीह के खून से दरार को सील कर दें। तीनों विक्टोरिया के पास मौजूद चाबी वाली सीसी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आयरिन बर्क को सूचित करती है कि भगवान ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया है और बर्क उसे एक घोषित नन के दर्जे तक बढ़ाने के लिए कहता है, जो वह एबी के चैपल में करते हैं। तीनों द्वारा सुरंग का दरवाजा खोलने के बाद आयरिन को एक पेंटाग्राम में फुसलाया जाता है और वलक उसे कब्जे में ले लेती है। फ्रांसिस ने राक्षस को बाहर निकलते हुए ईसा मसीह का कुछ खून अपने चेहरे पर लगाया। डैनियल के भूत द्वारा बर्क को घायल कर दिया जाता है क्योंकि वलक आयरिन को बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देती है। आयरिन ने दानों के चेहरे पर ईसा मसीह का खून निकाल दिया, दरार को सील कर दिया और उसे गायब कर दिया। फ्रांसिस द्वारा आयरिन को पुनः जीवित करने के बाद उसने बताया कि उसका नाम मॉरिस है। दूसरों को पता चलने पर मॉरिस पर वलक ने कब्जा कर लिया है, जैसे कि उसके गर्दन के पीछे एक उल्टा क्रॉस से पता चलता है। 20 साल बाद वेकफील्ड में एक विश्वविद्यालय सेमिनार में कैरोलिना पेरोन, एड और लॉरेन वारेन को मॉरिस के भूत भगाने के अपने प्रयास के फुटेज पेश करते हुए दिखते हैं। फुटेज में मॉरिस लॉरेन को पकड़ लेती है और एड को मरते हुए देखती है, जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाने लगती है और खुद को 8 दिनों के लिए अपने शयन कक्ष में बंद कर लेती है, जिससे पेरोन फार्म हाउस के भूतिया होने के वारेन की जाँच शुरू हो जाती है। सो ये रही 2018 की रिलीज द नन फिल्म, जो काफी हॉरर और काफी ज्यादा मस्त मूवी है। आई वुड सजेस्ट आप सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे मैंने जो वादा किया था कि ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको ये फिल्म फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो बॉली फिलिक्स नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको फ्री मिल जाएगी। फिर फ्लिक्सॉइड नामक एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिए क्रोम से, उसमें भी आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। और टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी, वो भी मूवी फ्री में आपको देखने के लिए। तो बिना देरी के अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाके इन सब वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और आप मूवी देख के एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नन के ऊपर, जो एक 2018 में रिलीज अमेरिकी गॉथिक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है, जो कोरिन हार्डी द्वारा निर्देश की गई है और गैरी डॉबरमैन द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे, और ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो फ्री में, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कहानी के एंड में। तो बिना देरी किए आप वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक जरूर देखें। तो फिल्म के शुरुआती में दिखाया जाता है 1952 का दृश्य, जो रोमानिया में सेंट कार्था के मठ में रहने वाले दो ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया है, जब उनमें से एक ने एक प्राचीन ईसाई अवशेष को प्राप्त करने के लिए सुरंग में प्रवेश किया। जीवित नन सिस्टर विक्टोरिया नन के रूप में प्रकट होने के वाले एक राक्षस हमलावर से बचकर भागती है और खुद को फांसी पर लटका लेती है। उसके शरीर की खोज फ्रांसिस नामक एक ग्रामीण ने की, जो ननों तक आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन को घटना का पता चलता है और फादर बर्ग को रोम बुलाया जाता है, जहां वे स्थिति की जांच करते हैं और उन्हें नौसिखिए नन सिस्टर आइरीन के साथ रोमानिया की यात्रा करने के लिए कहते हैं। जब सिस्टर आइरीन एक स्कूल में बच्चों को धर्म और विज्ञान के बीच संबंध सिखा रही हैं, तो उसकी माँ सुपीरियर उसे रोकती है और उसे सूचित करती है कि बर्क रोमानिया की अपनी यात्रा पर आइरीन के साथ जाने का अनुरोध करने के लिए आया है। यह जोड़ी रोमानिया की यात्रा करती है और फ्रेंच से मिलती है, जो उन्हें मठ तक ले जाता है। वे विक्टोरिया के शव की खोज करते हैं और उसकी लाश से एक चाबी ले लेते हैं। अंदर उसका सामना मठाधीश से होता है, जो उन्हें सूचित करते हैं कि नन रात के दौरान मौन की अवधि का पालन करती हैं, और यदि वे कल लौटना चाहती हैं तो उन्हें सालगन कॉन्वेंट में आवास प्रदान करती है। जब फ्रांसिस गांव लौटता है तो उस पर एक अदृश्य राक्षस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। बर्क ने आइरीन को बताया कि उसने अतीत में जिस लड़के डैनियल को भूत प्रेत से भगाया था, वह अनुष्ठान के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था और बर्क ने लड़के की मौत का बोझ उठाया है। आइरीन ने खुलासा किया कि एक लड़की के रूप में उसे सपने आते थे और उनमें से प्रत्येक का अंत मैरी रासा बताती है के साथ होता था, जिससे चर्च को उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उस रात बर्क को आइरीन द्वारा बचा लिया गया, राक्षसी समूह द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया था। अगले दिन आइरीन और बर्क मठ में लौटते हैं, लेकिन केवल आइरीन ही प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह मठ बंद है। वह कुछ अन्य ननों से मिलती है और जानती है कि वे संस्था को दूर रखने के लिए लगातार प्रार्थना करती हैं। शिफ्टों में बदलाव कर रही हैं। सिस्टर ओना ने खुलासा किया कि मठ का निर्माण अंधेरे युग में एक महल के रूप में किया गया था, जिसका उपयोग सेंट कार्टा के ड्यूक द्वारा किया जाता था, जो जादू टोने से ग्रस्त एक शक्तिशाली अभिजात था। ड्यूक ने प्रलय में एक दरार के माध्यम से राक्षस को बुलाया, लेकिन ईसाई शूरवीरों ने उसे मार डाला, जिन्होंने दरार को ईसा मसीह के रक्त से भर दी, एक सीसी से सील कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दरार को फिर से खोल दिया और यह दरार सक्रिय हो गया। बर्क राक्षस की पहचान वलक के रूप में करता है और उसे पता चलता है कि एब्स पहले ही मर चुका है। फ्रांसिस आइरीन और बर्क की मदद करने के लिए वापस मठ की ओर आ जाता है। आयरन पर वलक द्वारा हमला किया जाता है और वह दानों से बचने के लिए ननों के साथ हताश प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब समूह फिर से एकजुट हुआ तो आयरन को पता चला कि जिन ननों को उसने देखा था और जिनसे बात की थी, उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि सिस्टर विक्टोरिया एबे में आखिरी नन थी और उसने वलक को अपने पास रखने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। शरीर और बुराई को उजागर करना, यह सिद्धांत देते हुए वलक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे अवशेष में मौजूद ईसा मसीह के खून से दरार को सील कर दें। तीनों विक्टोरिया के पास मौजूद चाबी वाली सीसी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आइरीन बर्क को सूचित करती है कि भगवान ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया है और बर्क उसे एक घोषित नन के दर्जे तक बढ़ाने
करने के लिए कहता है, जो वह एबी के चैपल में करते हैं। तीनों द्वारा सुरंग का दरवाजा खोलने के बाद आइरीन को एक पेंटाग्राम में फुसलाया जाता है और वलक उसे कब्जे में ले लेती है। फ्रांसिस ने राक्षस को बाहर निकलते हुए ईसा मसीह का कुछ खून अपने चेहरे पर लगाया। डेनियल के भूत द्वारा बर्क को घायल कर दिया जाता है क्योंकि वलक आइरीन को बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देती है। आइरीन ने दानों के चेहरे पर ईसा मसीह का खून निकाल दिया, दरार को सील कर दिया और उसे गायब कर दिया। फ्रांसिस द्वारा आइरीन को पुनः जीवित करने के बाद उसने बताया कि उसका नाम मॉरिस है। दूसरों को पता चलने पर मॉरिस पर वलक ने कब्जा कर लिया है, जैसे कि उसके गर्दन के पीछे एक उल्टा क्रॉस से पता चलता है। 20 साल बाद वेकफील्ड में एक विश्वविद्यालय सेमिनार में कैरोलिना पेरॉन, एड और लॉरेन वारेन को मॉरिस के भूत भगाने के अपने प्रयास के फुटेज पेश करते हुए दिखते हैं। फुटेज में मॉरिस लॉरेन को पकड़ लेती है और एड को मरते हुए देखती है, जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाने लगती है और खुद को 8 दिनों के लिए अपने शयन कक्ष में बंद कर लेती है, जिससे पेरॉन फार्म हाउस के भूतिया होने के वारेन की जाँच शुरू हो जाती है। सो ये रही 2018 की रिलीज द नन फिल्म, जो काफी हॉरर और काफी ज्यादा मस्त मूवी है। आई वुड सजेस्ट आप सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे मैंने जो वादा किया था कि ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको ये फिल्म फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो बॉली फिलिक्स नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको फ्री मिल जाएगी। फिर फिलिक्सॉइड नामक एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिए क्रोम से, उसमें भी आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। और टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी, वो भी मूवी फ्री में आपको देखने के लिए। तो बिना देरी के अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाके इन सब वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और आप मूवी देख के एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नन के ऊपर, जो एक 2018 में रिलीज अमेरिकी गॉथिक सुपरनेचुरल हॉरर फिल्म है, जो कोरिन हार्डी द्वारा निर्देश की गई है और गैरी डॉबरमैन द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे और ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो फ्री में, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कहानी के एंड में। तो बिना देरी किए आप वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक जरूर देखें। तो फिल्म के शुरुआती में दिखाया जाता है 1952 का दृश्य, जो रोमानिया में सेंट कार्थक के मठ में रहने वाले दो ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया है, जब उनमें से एक ने एक प्राचीन ईसाई अवशेष को प्राप्त करने के लिए सुरंग में प्रवेश किया। जीवित नन सिस्टर विक्टोरिया नन के रूप में प्रकट होने के वाले एक राक्षस हमलावर से बचकर भागती है और खुद को फांसी पर लटका लेती है। उसके शरीर की खोज फ्रांसिस नामक एक ग्रामीण ने की, जो ननों तक आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन को घटना का पता चलता है और फादर बर्क को रोम बुलाया जाता है, जहां वे स्थिति की जांच करते हैं और उन्हें नौसिखिए नन सिस्टर आइरीन के साथ रोमानिया की यात्रा करने के लिए कहते हैं। जब सिस्टर आइरीन एक स्कूल में बच्चों को धर्म और विज्ञान के बीच संबंध सिखा रही हैं, तो उसकी माँ सुपीरियर उसे रोकती है और उसे सूचित करती है कि बर्क रोमानिया की अपनी यात्रा पर आइरीन के साथ जाने का अनुरोध करने के लिए आया है। यह जोड़ी रोमानिया की यात्रा करती है और फ्रेंच से मिलती है, जो उन्हें मठ तक ले जाता है। वे विक्टोरिया के शव की खोज करते हैं और उसकी लाश से एक चाबी ले लेते हैं। अंदर उसका सामना मठाधीश से होता है, जो उन्हें सूचित करते हैं कि नन रात के दौरान मौन की अवधि का पालन करती हैं और यदि वे कल लौटना चाहती हैं तो उन्हें सालगन कॉन्वेंट में आवास प्रदान करती है। जब फ्रांसिस गांव लौटता है तो उस पर एक अदृश्य राक्षस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। बर्क ने आइरीन को बताया कि उसने अतीत में जिस लड़के डैनियल को भूत प्रेत से भगाया था, वह अनुष्ठान के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था और बर्क ने लड़के की मौत का बोझ उठाया है। आइरीन ने खुलासा किया कि एक लड़की के रूप में उसे सपने आते थे और उनमें से प्रत्येक का अंत मैरी रासा बताती है के साथ होता था, जिससे चर्च को उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उस रात बर्क को आइरीन द्वारा बचा लिया गया। राक्षसी समूह
द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया था। अगले दिन आयरिन और बर्क मठ में लौटते हैं, लेकिन केवल आयरिन ही प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह मठ बंद है। वह कुछ अन्य नन्नों से मिलती है और जानती है कि वे संस्था को दूर रखने के लिए लगातार प्रार्थना करती हैं। शिफ्टों में बदलाव कर रही हैं। सिस्टर ओना ने खुलासा किया कि मठ का निर्माण अंधेरे युग में एक महल के रूप में किया गया था, जिसका उपयोग सेंट कार्टा के ड्यूक द्वारा किया जाता था, जो जादू टोने से ग्रस्त एक शक्तिशाली अभिजात था। ड्यूक ने प्रलय में एक दरार के माध्यम से राक्षस को बुलाया, लेकिन ईसाई शूरवीरों ने उसे मार डाला, जिन्होंने दरार को ईसा मसीह के रक्त से भर दी, एक शीशी से सील कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दरार को फिर से खोल दिया और यह दरार सक्रिय हो गया। बर्क राक्षस की पहचान वलक के रूप में करता है और उसे पता चलता है कि एब्स पहले ही मर चुका है। फ्रांसिस आयरिन और बर्क की मदद करने के लिए वापस मठ की ओर आ जाता है। आयरिन पर वलक द्वारा हमला किया जाता है और वह दानों से बचने के लिए ननों के साथ हताश प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब समूह फिर से एकजुट हुआ तो आयरिन को पता चला कि जिन ननों को उसने देखा था और जिनसे बात की थी उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि सिस्टर विक्टोरिया एबे में आखिरी नन थी और उसने वलक को अपने पास रखने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। शरीर और बुराई को उजागर करना यह सिद्धांत देते हुए वलक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे अवशेष में मौजूद ईसा मसीह के खून से दरार को सील कर दें। तीनों विक्टोरिया के पास मौजूद चाबी वाली सीसी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आयरिन बर्ग को सूचित करती है कि भगवान ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया है और बर्ग उसे एक घोषित नन के दर्जे तक बढ़ाने के लिए कहता है, जो वह एबी के चैपल में करते हैं। तीनों द्वारा सुरंग का दरवाजा खोलने के बाद आयरिन को एक पेंटाग्राम में फुसलाया जाता है और वलक उसे कब्जे में ले लेती है। फ्रांसिस ने राक्षस को बाहर निकलते हुए ईसा मसीह का कुछ खून अपने चेहरे पर लगाया। डेनियल के भूत द्वारा बर्क को घायल कर दिया जाता है क्योंकि वलक आयरिन को बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देती है। आयरिन ने दानों के चेहरे पर ईसा मसीह का खून निकाल दिया, दरार को सील कर दिया और उसे गायब कर दिया। फ्रांसिस द्वारा आयरिन को पुनः जीवित करने के बाद उसने बताया कि उसका नाम मॉरिस है। दूसरों को पता चलने पर मॉरिस पर वलक ने कब्जा कर लिया है, जैसे कि उसके गर्दन के पीछे एक उल्टा क्रॉस से पता चलता है। 20 साल बाद वेकफील्ड में एक विश्वविद्यालय सेमिनार में कैरोलिना पेरॉन, एड और लॉरेन वारेन को मॉरिस के भूत भगाने के अपने प्रयास के फुटेज पेश करते हुए दिखते हैं। फुटेज में मॉरिस लॉरेन को पकड़ लेती है और एड को मरते हुए देखती है, जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाने लगती है और खुद को 8 दिनों के लिए अपने शयन कक्ष में बंद कर लेती है, जिससे पेरॉन फार्म हाउस के भूतिया होने के वारेन की जाँच शुरू हो जाती है। सो ये रही 2018 की रिलीज द नन फिल्म, जो काफी हॉरर और काफी ज्यादा मस्त मूवी है। आई वुड सजेस्ट आप सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे मैंने जो वादा किया था कि ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको ये फिल्म फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो बॉली फिलिक्स नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको फ्री मिल जाएगी। फिर फिलिक्सॉइड नामक एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिए क्रोम से, उसमें भी आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। और टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी, वो भी मूवी फ्री में आपको देखने के लिए। तो बिना देरी के अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाके इन सब वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और आप मूवी देख के एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नन के ऊपर, जो एक 2018 में रिलीज अमेरिकी गॉथिक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जो कोरिन हार्डी द्वारा निर्देश की गई है और गैरी डॉबरमैन द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे और ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो फ्री में, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कहानी के एंड में। तो बिना देरी किए आप वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक जरूर देखें। तो फिल्म के शुरुआती में दिखाया जाता है 1952 का दृश्य, जो रोमानिया में सेंट कार्ता के मठ में रहने वाले दो ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया है।
जब उनमें से एक ने एक प्राचीन ईसाई अवशेष को प्राप्त करने के लिए सुरंग में प्रवेश किया, जीवित नन सिस्टर विक्टोरिया नन के रूप में प्रकट होने के वाले एक राक्षस हमलावर से बचकर भागती है और खुद को फांसी पर लटका लेती है। उसके शरीर की खोज फ्रांसिस नामक एक ग्रामीण ने की, जो ननों तक आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन को घटना का पता चलता है और फादर बर्ग को रोम बुलाया जाता है, जहां वे स्थिति की जांच करते हैं और उन्हें नौसिखिए नन सिस्टर आइरीन के साथ रोमानिया की यात्रा करने के लिए कहते हैं। जब सिस्टर आइरीन एक स्कूल में बच्चों को धर्म और विज्ञान के बीच संबंध सिखा रही हैं, तो उसकी माँ सुपीरियर उसे रोकती है और उसे सूचित करती है कि बर्क रोमानिया की अपनी यात्रा पर आइरीन के साथ जाने का अनुरोध करने के लिए आया है। यह जोड़ी रोमानिया की यात्रा करती है और फ्रेंच से मिलती है, जो उन्हें मठ तक ले जाता है। वे विक्टोरिया के शव की खोज करते हैं और उसकी लाश से एक चाबी ले लेते हैं। अंदर उसका सामना मठाधीश से होता है, जो उन्हें सूचित करते हैं कि नन रात के दौरान मौन की अवधि का पालन करती हैं और यदि वे कल लौटना चाहती हैं तो उन्हें सालगन कॉन्वेंट में आवास प्रदान करती है। जब फ्रांसिस गांव लौटता है तो उस पर एक अदृश्य राक्षस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। बर्क ने आइरीन को बताया कि उसने अतीत में जिस लड़के डैनियल को भूत प्रेत से भगाया था, वह अनुष्ठान के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था और बर्क ने लड़के की मौत का बोझ उठाया है। आइरीन ने खुलासा किया कि एक लड़की के रूप में उसे सपने आते थे और उनमें से प्रत्येक का अंत मैरी रासा बताती है के साथ होता था, जिससे चर्च को उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उस रात बर्क को आइरीन द्वारा बचा लिया गया राक्षसी समूह द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया था। अगले दिन आइरीन और बर्क मठ में लौटते हैं, लेकिन केवल आइरीन ही प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह मठ बंद है। वह कुछ अन्य ननों से मिलती है और जानती है कि वे संस्था को दूर रखने के लिए लगातार प्रार्थना करती हैं। शिफ्टों में बदलाव कर रही हैं। सिस्टर ओना ने खुलासा किया कि मठ का निर्माण अंधेरे युग में एक महल के रूप में किया गया था, जिसका उपयोग सेंट कार्टा के ड्यूक द्वारा किया जाता था, जो जादू टोने से ग्रस्त एक शक्तिशाली अभिजात था। ड्यूक ने प्रलय में एक दरार के माध्यम से राक्षस को बुलाया, लेकिन ईसाई शूरवीरों ने उसे मार डाला, जिन्होंने दरार को ईसा मसीह के रक्त से भर दी, एक शीशी से सील कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दरार को फिर से खोल दिया और यह दरार सक्रिय हो गया। बर्क राक्षस की पहचान वलक के रूप में करता है और उसे पता चलता है कि एब्स पहले ही मर चुका है। फ्रांसिस आइरीन और बर्क की मदद करने के लिए वापस मठ की ओर आ जाता है। आइरीन पर वलक द्वारा हमला किया जाता है और वह दानों से बचने के लिए ननों के साथ हताश प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब समूह फिर से एकजुट हुआ तो आइरीन को पता चला कि जिन ननों को उसने देखा था और जिनसे बात की थी, उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि सिस्टर विक्टोरिया एबे में आखिरी नन थी और उसने वलक को अपने पास रखने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। शरीर और बुराई को उजागर करना, यह सिद्धांत देते हुए वलक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे अवशेष में मौजूद ईसा मसीह के खून से दरार को सील कर दें। तीनों विक्टोरिया के पास मौजूद चाबी वाली सीसी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आइरीन बर्ग को सूचित करती है कि भगवान ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया है और बर्ग उसे एक घोषित नन के दर्जे तक बढ़ाने के लिए कहता है, जो वह एबी के चैपल में करते हैं। तीनों द्वारा सुरंग का दरवाजा खोलने के बाद आइरीन को एक पेंटाग्राम में फुसलाया जाता है और वलक उसे कब्जे में ले लेती है। फ्रांसिस ने राक्षस को बाहर निकलते हुए ईसा मसीह का कुछ खून अपने चेहरे पर लगाया। डैनियल के भूत द्वारा बर्क को घायल कर दिया जाता है क्योंकि वलक आइरीन को बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देती है। आइरीन ने दानों के चेहरे पर ईसा मसीह का खून निकाल दिया, दरार को सील कर दिया और उसे गायब कर दिया। फ्रांसिस द्वारा आइरीन को पुनः जीवित करने के बाद उसने बताया कि उसका नाम मॉरिस है। दूसरों को पता चलने पर मॉरिस पर वलक ने कब्जा कर लिया है, जैसे कि उसके गर्दन के पीछे एक उल्टा क्रॉस से पता चलता है। 20 साल बाद वेकफील्ड में एक विश्वविद्यालय सेमिनार में कैरोलिना पेरॉन, एड और लॉरेन
वारेन को मॉरिस के भूत भगाने के अपने प्रयास के फुटेज पेश करते हुए दिखते हैं। फुटेज में मॉरिस लॉरेन को पकड़ लेती है और एड को मरते हुए देखती है, जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाने लगती है और खुद को 8 दिनों के लिए अपने शयन कक्ष में बंद कर लेती है, जिससे पेरोन फार्म हाउस के भूतिया होने के वारेन की जाँच शुरू हो जाती है। सो ये रही 2018 की रिलीज द नन फिल्म, जो काफी हॉरर और काफी ज्यादा मस्त मूवी है। आई वुड सजेस्ट आप सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे मैंने जो वादा किया था कि ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको ये फिल्म फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो बॉली फिलिक्स नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको फ्री मिल जाएगी। फिर फिलिक्सॉइड नामक एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिए क्रोम से, उसमें भी आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। और टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी, वो भी मूवी फ्री में आपको देखने के लिए। तो बिना देरी के अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाके इन सब वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और आप मूवी देख के एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नन के ऊपर, जो एक 2018 में रिलीज अमेरिकी गॉथिक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जो कोरिन हार्डी द्वारा निर्देश की गई है और गैरी डॉबरमैन द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे और ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो फ्री में, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कहानी के एंड में। तो बिना देरी किए आप वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक ज़रूर देखें। तो फिल्म के शुरुआती में दिखाया जाता है 1952 का दृश्य, जो रोमानिया में सेंट कार्था के मठ में रहने वाले दो ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया है, जब उनमें से एक ने एक प्राचीन ईसाई अवशेष को प्राप्त करने के लिए सुरंग में प्रवेश किया। जीवित नन सिस्टर विक्टोरिया नन के रूप में प्रकट होने के वाले एक राक्षस हमलावर से बचकर भागती है और खुद को फांसी पर लटका लेती है। उसके शरीर की खोज फ्रांसिस नामक एक ग्रामीण ने की, जो ननों तक आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन को घटना का पता चलता है और फादर बर्ग को रोम बुलाया जाता है, जहां वे स्थिति की जांच करते हैं और उन्हें नौसिखिए नन सिस्टर आइरीन के साथ रोमानिया की यात्रा करने के लिए कहते हैं। जब सिस्टर आइरीन एक स्कूल में बच्चों को धर्म और विज्ञान के बीच संबंध सिखा रही हैं, तो उसकी माँ सुपीरियर उसे रोकती है और उसे सूचित करती है कि बर्क रोमानिया की अपनी यात्रा पर आइरीन के साथ जाने का अनुरोध करने के लिए आया है। यह जोड़ी रोमानिया की यात्रा करती है और फ्रेंच से मिलती है, जो उन्हें मठ तक ले जाता है। वे विक्टोरिया के शव की खोज करते हैं और उसकी लाश से एक चाबी ले लेते हैं। अंदर उसका सामना मठाधीश से होता है, जो उन्हें सूचित करते हैं कि नन रात के दौरान मौन की अवधि का पालन करती हैं और यदि वे कल लौटना चाहती हैं तो उन्हें सालगन कॉन्वेंट में आवास प्रदान करती है। जब फ्रांसिस गांव लौटता है तो उस पर एक अदृश्य राक्षस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। बर्क ने आइरीन को बताया कि उसने अतीत में जिस लड़के डैनियल को भूत प्रेत से भगाया था, वह अनुष्ठान के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था और बर्क ने लड़के की मौत का बोझ उठाया है। आइरीन ने खुलासा किया कि एक लड़की के रूप में उसे सपने आते थे और उनमें से प्रत्येक का अंत मैरी रासा बताती है के साथ होता था, जिससे चर्च को उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उस रात बर्क को आइरीन द्वारा बचा लिया गया, राक्षसी समूह द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया था। अगले दिन आइरीन और बर्क मठ में लौटते हैं, लेकिन केवल आइरीन ही प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह मठ बंद है। वह कुछ अन्य ननों से मिलती है और जानती है कि वे संस्था को दूर रखने के लिए लगातार प्रार्थना करती हैं। शिफ्टों में बदलाव कर रही हैं। सिस्टर ओना ने खुलासा किया कि मठ का निर्माण अंधेरे युग में एक महल के रूप में किया गया था, जिसका उपयोग सेंट कार्टा के ड्यूक द्वारा किया जाता था, जो जादू टोने से ग्रस्त एक शक्तिशाली अभिजात था। ड्यूक ने प्रलय में एक दरार के माध्यम से राक्षस को बुलाया, लेकिन ईसाई शूरवीरों ने उसे मार डाला, जिन्होंने दरार को ईसा मसीह के रक्त से भर दी, एक शीशी से सील कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दरार को फिर से खोल दिया और यह दरार सक्रिय हो गया। बर्क राक्षस की पहचान वलक के रूप में करता है और उसे पता चलता है कि एब्स पहले ही मर चुका है।
फ्रांसिस आयरिन और बर्ग की मदद करने के लिए वापस मठ की ओर आ जाता है। आयरिन पर वलक द्वारा हमला किया जाता है और वह दानों से बचने के लिए ननों के साथ हताश प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब समूह फिर से एकजुट हुआ तो आयरिन को पता चला कि जिन ननों को उसने देखा था और जिनसे बात की थी उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि सिस्टर विक्टोरिया एबे में आखिरी नन थी और उसने वलक को अपने पास रखने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। शरीर और बुराई को उजागर करना, यह सिद्धांत देते हुए वलक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे अवशेष में मौजूद ईसा मसीह के खून से दरार को सील कर दें। तीनों विक्टोरिया के पास मौजूद चाबी वाली सीसी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आयरिन बर्ग को सूचित करती है कि भगवान ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया है और बर्ग उसे एक घोषित नन के दर्जे तक बढ़ाने के लिए कहता है, जो वह एबी के चैपल में करते हैं। तीनों द्वारा सुरंग का दरवाजा खोलने के बाद आयरिन को एक पेंटाग्राम में फुसलाया जाता है और वलक उसे कब्जे में ले लेती है। फ्रांसिस ने राक्षस को बाहर निकलते हुए ईसा मसीह का कुछ खून अपने चेहरे पर लगाया। डेनियल के भूत द्वारा बर्ग को घायल कर दिया जाता है क्योंकि वलक आयरिन को बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देती है। आयरिन ने दानों के चेहरे पर ईसा मसीह का खून निकाल दिया, दरार को सील कर दिया और उसे गायब कर दिया। फ्रांसिस द्वारा आयरिन को पुनः जीवित करने के बाद उसने बताया कि उसका नाम मॉरिस है। दूसरों को पता चलने पर मॉरिस पर वलक ने कब्जा कर लिया है, जैसे कि उसके गर्दन के पीछे एक उल्टा क्रॉस से पता चलता है। 20 साल बाद वेकफील्ड में एक विश्वविद्यालय सेमिनार में कैरोलिना पेरॉन, एड और लॉरेन वारेन को मॉरिस के भूत भगाने के अपने प्रयास के फुटेज पेश करते हुए दिखते हैं। फुटेज में मॉरिस लॉरेन को पकड़ लेती है और एड को मरते हुए देखती है, जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाने लगती है और खुद को 8 दिनों के लिए अपने शयन कक्ष में बंद कर लेती है, जिससे पेरॉन फार्म हाउस के भूतिया होने के वारेन की जाँच शुरू हो जाती है। सो ये रही 2018 की रिलीज द नन फिल्म, जो काफी हॉरर और काफी ज्यादा मस्त मूवी है। आई वुड सजेस्ट आप सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे मैंने जो वादा किया था कि ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको ये फिल्म फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो बॉली फिलिक्स नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको फ्री मिल जाएगी। फिर फिलिक्सॉइड नामक एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिए क्रोम से, उसमें भी आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। और टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी, वो भी मूवी फ्री में आपको देखने के लिए। तो बिना देरी के अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाके इन सब वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और आप मूवी देख के एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द नन के ऊपर, जो एक 2018 में रिलीज अमेरिकी गॉथिक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है, जो कोरिन हार्डी द्वारा निर्देश की गई है और गैरी डॉबरमैन द्वारा लिखी गई है। तो चलिए इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में बात करेंगे और ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगी वो फ्री में, उसके ऊपर भी मैं बताऊँगा कहानी के एंड में। तो बिना देरी किए आप वीडियो से जुड़े रहें और अंत तक ज़रूर देखें। तो फिल्म के शुरुआती में दिखाया जाता है 1952 का दृश्य, जो रोमानिया में सेंट कार्था के मठ में रहने वाले दो ननों पर एक अदृश्य बुरी शक्ति द्वारा हमला किया गया है, जब उनमें से एक ने एक प्राचीन ईसाई अवशेष को प्राप्त करने के लिए सुरंग में प्रवेश किया। जीवित नन सिस्टर विक्टोरिया नन के रूप में प्रकट होने के वाले एक राक्षस हमलावर से बचकर भागती है और खुद को फांसी पर लटका लेती है। उसके शरीर की खोज फ्रांसिस नामक एक ग्रामीण ने की, जो ननों तक आपूर्ति पहुंचाता है। वेटिकन को घटना का पता चलता है और फादर बर्ग को रोम बुलाया जाता है, जहां वे स्थिति की जांच करते हैं और उन्हें नौसिखिए नन सिस्टर आयरिन के साथ रोमानिया की यात्रा करने के लिए कहते हैं। जब सिस्टर आयरिन एक स्कूल में बच्चों को धर्म और विज्ञान के बीच संबंध सिखा रही हैं, तो उसकी माँ सुपीरियर उसे रोकती है और उसे सूचित करती है कि बर्क रोमानिया की अपनी यात्रा पर आयरिन के साथ जाने का अनुरोध करने के लिए आया है। यह जोड़ी रोमानिया की यात्रा करती है और फ्रेंच से मिलती है,
जो उन्हें मठ तक ले जाता है। वे विक्टोरिया के शव की खोज करते हैं और उसकी लाश से एक चाबी ले लेते हैं। अंदर उसका सामना मठाधीश से होता है, जो उन्हें सूचित करते हैं कि नन रात के दौरान मौन की अवधि का पालन करती हैं और यदि वे कल लौटना चाहती हैं तो उन्हें सालगन कॉन्वेंट में आवास प्रदान करती है। जब फ्रांसिस गांव लौटता है तो उस पर एक अदृश्य राक्षस द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन वो भाग जाता है। बर्क ने आयरिन को बताया कि उसने अतीत में जिस लड़के डैनियल को भूत प्रेत से भगाया था, वह अनुष्ठान के दौरान घातक रूप से घायल हो गया था और बर्क ने लड़के की मौत का बोझ उठाया है। आयरिन ने खुलासा किया कि एक लड़की के रूप में उसे सपने आते थे और उनमें से प्रत्येक का अंत मैरी रासा बताती है के साथ होता था, जिससे चर्च को उसमें दिलचस्पी लेने लगी। उस रात बर्क को आयरिन द्वारा बचा लिया गया, राक्षसी समूह द्वारा कब्रिस्तान में जिंदा दफना दिया गया था। अगले दिन आयरिन और बर्क मठ में लौटते हैं, लेकिन केवल आयरिन ही प्रवेश कर सकती है क्योंकि यह मठ बंद है। वह कुछ अन्य नन्नों से मिलती है और जानती है कि वे संस्था को दूर रखने के लिए लगातार प्रार्थना करती हैं। शिफ्टों में बदलाव कर रही हैं। सिस्टर ओना ने खुलासा किया कि मठ का निर्माण अंधेरे युग में एक महल के रूप में किया गया था, जिसका उपयोग सेंट कार्टा के ड्यूक द्वारा किया जाता था, जो जादू टोने से ग्रस्त एक शक्तिशाली अभिजात था। ड्यूक ने प्रलय में एक दरार के माध्यम से राक्षस को बुलाया, लेकिन ईसाई शूरवीरों ने उसे मार डाला, जिन्होंने दरार को ईसा मसीह के रक्त से भर दी, एक सीसी से सील कर दिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने दरार को फिर से खोल दिया और यह दरार सक्रिय हो गया। बर्क राक्षस की पहचान वलक के रूप में करता है और उसे पता चलता है कि एब्स पहले ही मर चुका है। फ्रांसिस आयरिन और बर्क की मदद करने के लिए वापस मठ की ओर आ जाता है। आयरिन पर वलक द्वारा हमला किया जाता है और वह दानों से बचने के लिए ननों के साथ हताश प्रार्थना में शामिल हो जाती है। जब समूह फिर से एकजुट हुआ तो आयरिन को पता चला कि जिन ननों को उसने देखा था और जिनसे बात की थी उनमें से कोई भी वास्तविक नहीं है और वह अकेले ही प्रार्थना कर रही थी। बाद में उसे एहसास हुआ कि सिस्टर विक्टोरिया एबे में आखिरी नन थी और उसने वलक को अपने पास रखने से रोकने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। शरीर और बुराई को उजागर करना, यह सिद्धांत देते हुए वलक को केवल तभी रोका जा सकता है जब वे अवशेष में मौजूद ईसा मसीह के खून से दरार को सील कर दें। तीनों विक्टोरिया के पास मौजूद चाबी वाली सीसी को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। आयरिन बर्क को सूचित करती है कि भगवान ने उसे एक नन के रूप में अपनी गंभीर प्रतिज्ञा करने के लिए बुलाया है और बर्क उसे एक घोषित नन के दर्जे तक बढ़ाने के लिए कहता है, जो वह एबी के चैपल में करते हैं। तीनों द्वारा सुरंग का दरवाजा खोलने के बाद आयरिन को एक पेंटाग्राम में फुसलाया जाता है और वलक उसे कब्जे में ले लेती है। फ्रांसिस ने राक्षस को बाहर निकलते हुए ईसा मसीह का कुछ खून अपने चेहरे पर लगाया। डैनियल के भूत द्वारा बर्क को घायल कर दिया जाता है क्योंकि वलक आयरिन को बाढ़ वाले कक्ष में डुबाना शुरू कर देती है। आयरिन ने दानों के चेहरे पर ईसा मसीह का खून निकाल दिया, दरार को सील कर दिया और उसे गायब कर दिया। फ्रांसिस द्वारा आयरिन को पुनः जीवित करने के बाद उसने बताया कि उसका नाम मॉरिस है। दूसरों को पता चलने पर मॉरिस पर वलक ने कब्जा कर लिया है, जैसे कि उसके गर्दन के पीछे एक उल्टा क्रॉस से पता चलता है। 20 साल बाद वेकफील्ड में एक विश्वविद्यालय सेमिनार में कैरोलिना पेरॉन, एड और लॉरेन वारेन को मॉरिस के भूत भगाने के अपने प्रयास के फुटेज पेश करते हुए दिखते हैं। फुटेज में मॉरिस लॉरेन को पकड़ लेती है और एड को मरते हुए देखती है, जिससे वह भयभीत होकर चिल्लाने लगती है और खुद को 8 दिनों के लिए अपने शयन कक्ष में बंद कर लेती है, जिससे पेरॉन फार्म हाउस के भूतिया होने के वारेन की जांच शुरू हो जाती है। सो ये रही 2018 की रिलीज द नन फिल्म, जो काफी हॉरर और काफी ज्यादा मस्त मूवी है। आई वुड सजेस्ट आप सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ आपसे मैंने जो वादा किया था कि ये फिल्म आपको कहाँ कहाँ पे फ्री में देखने को मिल जाएगी, तो चलिए बताते हैं कहाँ कहाँ पे आपको ये फिल्म फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो बॉली फिलिक्स नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आपको फ्री मिल जाएगी। फिर फिलिक्सॉइड नामक एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लीजिए क्रोम से, उसमें भी आपको ये मूवी देखने को मिल जाएगी, वो भी मुफ्त में। और टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी, वो भी मूवी फ्री में आपको देखने के लिए। तो बिना देरी के अगर आपको मूवी देखनी है तो आप जाके इन सब वेबसाइट्स पे जाके चेक कर सकते हैं और आप मूवी देख के एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।